हेलो गाइस वेलकम बैक फ्रेंड्स आज का जो हमारा जीके का सेशन रहेगा ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां से भी आपके जो मिनिमम बात करूं तीन से जो पाँच क्वेश्चन पक्का इनमें से जो आपके बनेंगे ठीक है आज का सेशन बहुत हमारा अच्छा रहने वाला है इसे आप कंप्लीट देखें और इधर से हम जो क्वेश्चन करते जाएंगे उन्हें आप अच्छे से सीखिए और अगर आपने किए हुए हैं तो आपका उसका रिवाइज हो जाएगा और आपको जो भी आपका एग्जाम है उसे आपने अच्छे से लगाना है और अपनी प्रेपरेशन है जो आपने की हुई है अब उसे रिपीट करिए बार बार ठीक है तो आपकी जो प्रेपरेशन है वो आपने अच्छी तरह से करनी है और अपने एग्जाम को अच्छे से लगाना है ठीक है तो चलिए आज के सेशन को अब हम स्टार्ट करते जाते हैं तो सबसे पहले आपको दी हुआ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया मैनचेस्टर ऑफ इंडिया हम किसे बोलते हैं अहमदाबाद को नेक्स्ट आ गया लैंड ऑफ फाइव रिवर लैंड ऑफ फाइव रिवर हम बोलते हैं पंजाब को हॉलीवुड ऑफ इंडिया बोलते हैं बॉम्बे को उसके बाद आयरन सिटी जमशेदपुर को राइस बॉल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश दोनों में से जो आपका ऑप्शन रहेगा एंट्रेंस ऑफ इंडिया मुंबई गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु इस तरह से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से ज़रूर मिल जाएगा नेक्स्ट देखिए कश्मीर ऑफ साउथ कश्मीर ऑफ़ साउथ हम बोलते हैं केरला को उसके बाद आ गया स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया रहेगा केरला पेरिस ऑफ़ इंडिया रहेगा जयपुर ठीक है अगर आप भी साथ साथ में आपका जो रिवीजन हो जाएगा और आपको इस तरह से जो इजी वे से लर्न भी हो जाएगा और आपका जो भी रहेगा आपने अच्छे से उसकी प्रेपरेशन करनी है स्विट्जरलैंड लैंड ऑफ इंडिया खजेर एच हिमाचल प्रदेश सिटी ऑफ सेवन आईलैंड मुंबई सिटी ऑफ नवाब्स लखनऊ उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका क्वींस ऑफ सी क्यून ऑफ अरेबियन सी हम बोलते हैं कोची को सिटी ऑफ फेस्टिवल्स हम बोलते हैं मदूराई को सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल हम बोलते हैं अमृतसर को अब चलिए जो नेक्स्ट आ गया नेक्स्ट आ गया इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द सोलर सिस्टम रहेगा बिगेस्ट प्लानट यूपिटर बिगेस्ट सैटेलाइट गैनामीड यूपीटर पे ब्लू प्लानट अर्थ ग्रीन प्लानट यूरेनस ब्राइटेस्ट नस ब्राइटेस्ट स्टार आउट आउटसाइड सोलर सिस्टम सीरीज रहेगा क्लोजेस्ट स्टार प्रोक्सीमा सेंचुरी कोल्डेस्ट प्लानट नैप्ट्यून उसके बाद चलिए नेक्स्ट की तरफ इवनिंग स्टार वीनस फारथेस्ट प्लानट फ्राम द सन नैप्ट्यून ठीक है आपकी जो रिविज़न ही है आपने इसे अच्छे से लगाने हैं चलिए नेक्स्ट की तरफ प्लानट विद द मैक्सीम नंबर ऑफ़ सैटेलाइट मैक्सीम नंबर ऑफ जो सेटेलाइट है कौन से प्लानेट पर सैचन पे उसके बाद फास्टेस्ट रेवोल्यूशन इन दोलर सिस्टम मर्करी की हॉटेस्ट प्लानट विनस डेंसेस्ट प्लानट अर्थ फास्टेस्ट रोटेशन इन दोलर सिस्टम यूपिटर मॉर्निंग स्टार विनस नियरेस्ट प्लानट टू अर्थ विनस नियरस्ट प्लानट टू सन मर्करी रेड प्लानट मार्स आ गया स्लोएस्ट रेवोल्यूशन इन द सोलर सिस्टम नेपट्ट्यून स्लोएस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम वीनस स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी स्मॉलेस्ट सैटेलाइट डाइमोस अर्थ ट्विन वीनस ओनली सैटेलाइट विद एन एटमोसफियर लाइक अर्थ टाइटन ठीक है चलिए नेक्स्ट भी कुछ एजेंसीज के हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जानिए कि आई एल ओ हेडक्वाटर पे इसका गनेवा में और इसकी ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1919 नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफ तो इसका जो हेड क्वार्टर है रोम में है और एस्टेब्लिश हुआ है 1945 पे नेक्स्ट आ जाएगा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन हेड क्वार्टर मॉन्ट्रियल में और इसका ईयर ऑफ़ एस्टेब्लिशमेंट नाइनटीन में चलिए नेक्स्ट की तरफ आई इंटरनेशनल मोनिट्री फंड और इसका एस्टेब्लिशमेंट नाइनटीन फोटी फाइव और हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी में में। उसके बाद है यूनेस्को का यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर पेरिस में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वाटर वाशिंगटन डीसी में आज का जो सेशन है हम इसी तरह से करते रहेंगे सारे इंपॉर्टेंट जो भी हमारे की पॉइंट रहेंगे इनमें से आपको जरूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा ठीक है तो आपकी जो प्रेपरेशन है आपने उसे अच्छे से लगाना है चलिए नेक्स्ट की तरफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यू एच ओ फुल फॉर्म्स भी आपकी इधर हो जाएंगी 1948 में इसका स्टार्ट हुआ था और हेड क्वार्टर जनेवा में उसके बाद है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका एयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट नाइनटीन फिफ्टी सेवन और हेडक्वाटर बिना में वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट नाइनटीन फिफ्टी और गनेवा में इसका क्या रहेगा हमारा जो हेडकोर्टर रहेगा इसी तरह हम लगाते लगाते चलते जाएंगे आगे आगे ताकि कि आपका जो टाइम है कम यूज़ हो और कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है जो वो कर पाओ नाइन्थ जनवरी नाइन्थ जनवरी को कौन सा डे बनाया जाता है एन आर आई डे ट्वेल्थ जनवरी को नेशनल यूथ डे या स्वामी दयानंद का बर्थडे उसके बाद पंद्रह जनवरी को आर्मी डे चौबीस जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पच्चीस जनवरी को टूरिज़म डे और नेशनल वोटर डे थर्टी जनवरी को नेशनल मार्टिया डे ट्वेंटी एट्थ फरवरी को नेशनल साइंस डे ठीक है इंपॉर्टेंट डेज है उसके बाद आ गया एट मार्च एट मार्च को कौन सा इंटरनेशनल वुमेन डे फिफ्टीन मार्च को है वर्ल्ड कंज्यूमर डे ट्वेंटी मार्च को है वर्ल्ड स्पैरो डे ट्वेंटी फर्स्ट मार्च को है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे ट्वेंटी सेकेंड मार्च को है आपका वर्ल्ड वाटर डे ट्वेंटी थर्ड मार्च को है वर्ल्ड डे मेट्रोलॉजिकवंथ अप्रैल को आप आपका सेलिब्रेट करते जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे एटीन अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे ठीक है आपने सिर्फ इन्हें देखना है देखने से आपको हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट आ गया ट्वेंटी सेकेंथ अप्रैल को अर्थ डे फर्स्ट मई को इंटरनेशनल लेबर डे सेवनटीन मई को टेली कम्युनिकेशन डे थर्टी फर्स्ट मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे उसके बाद नेक्स्ट आ गया फिफ्थ जून को वर्ल्ड इन्वामेंट डे ट्वेंटी फर्स्ट जून को इंटरनेशनल योगा डे इलेवेंथ जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ट्वेल्थ जुलाई को इंटरनेशनल मलाला डे फिफ्टीन अगस्त को इंडिपेंडेंस डे ट्वेंटी नाइन अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे फाइव सितंबर को नेशनल टीचर डे एट सेप्टेम्बर को वर्ल्ड लिटरेसी डे ट्वेंटी सेवन सेप्टेम्बर को वर्ल्ड टूरिज़म डे फर्स्ट अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर और एल्डर पर्सन सेकेंड अक्टूबर को गांधी जयंती या इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस एट अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे उसके बाद नेक्स्ट आ गया नाइन्थ अक्टूबर को नाइन्थ अक्टूबर को रहेगा आपका वर्ल्ड पोस्टल और पोस्ट ऑफिस डे ठीक है उसके बाद आएगा सिक्सटीनथ अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे 24 अक्टूबर को यूएन एन यानी कि यूनाइटेड नेशन डे थर्टी अक्टूबर को नेशनल डे फॉर यूनाइटेड या राष्ट्रीय एकता दिवस इस दिन भी मनाया जाता है 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे फर्स्ट दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे फोरथ दिसंबर को इंडियन आर नेवी डे सेवन दिसंबर को इंडियन आर्मड फोर्स फ्लैग डे टेन दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे उसके बाद नेक्स्ट चलिए कुछ साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी बात करें सबसे पहले आ गया अल्टीमीटर क्या मेज़र करता है एल्टीट्यूड्स ठीक है अल्टीमीटर एमीटर मेज़र करता है करंट ऑडियोमीटर मेज़र करता है साउंड ये आपको रीजनिंग में भी आ सकता है एनालॉगी में बैरोमीटर मेज़र करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलोरी मेज़र करता है हीट कार्डियोग्राम मेज़र करता है मोमेंट ऑफ हर्ट ठीक है उसके बाद आ गया फैथोमीटर फैथोमीटर कन्वर्ट करता है डेप्थ ऑफ ओशन ठीक है गलवेनोमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट स्माल क्वांटिटी में हाइड्रोमीटर मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ल्यूक्ड हाइग्रो और हाइड्रो हाइड्रो करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ल्यूक्ड और हाइग्रो करता है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर हाइड्रोफोन साउंड अंडर वाटर लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क नेक्स्ट है माइक्रोफोन माइक्रोफोन मेज़र करता है इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन ऑडोमीटर मेज़र करता है डिस्टेंस कवर्ड बाय बिल्ड व्हीकल उसके बाद आ गया फोनोग्राफ फोनोग्राफ क्या मेज़र करता है प्रोड्यूसिंग साउंड रेडार क्या मेज़र करता है रेडार मेज़र करता है डायरेक्शन एंड रेंज ऑफ अप्रोचिंग प्लेन उसके बाद आ गया सिस्मोग्राफ इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक स्पीडोमीटर इंस्ट्रूमेंट विकल टू रिकॉर्ड इट्स स्पीड जाने की स्फाइग्नोमीटर स्फाइग्नोमीटर करता है ब्लड प्रेशर को मेज़र चलिए नेक्स्ट की तरफ नेक्स्ट आ गया सैथेस्कोप सेथेस्कोप जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं क्या करने के लिए जो हर्ट, और लंग की साउंड सुनने के लिए उसके बाद आ गया टेकोमीटर जो मेजरिंग स्पीड ऑफ एरोप्लेन्स एंड बोट्स थर्मोमीटर मेजरिंग टेम्परेचर थर्मोस्टैट रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट का टेम्परेचर वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस वर्नियर कैलिपर टू मेजर स्फेरिकल आर्टिकल एक्यूरेटली यानी कि डायामीटर मेजर करने के लिए करता है जे जूस ठीक है उसके बाद आ गया एक और इम्पोर्टेंट आपका पीएच लेमन का पीएच होता है टू पॉइंट टू विनेगर का 2.4, पॉइंट ल्यूकेर का 2.8, पॉइंट सी वाटर का 8.4, ब्लड का 7.4, पॉइंट का 6.5 पॉइंट मिल्क का 6.4, पॉइंट फोर स्टोमक एसिड का 7.8, पॉइंट एट स्मॉल इंटस्टाइन का 7.5 पॉइंट फाइव आपका जो एसिड रहता है पी एच जो स्केल होता है इसे सोरेन्सन ने दिया था इसमें टोटल फोर्टीन नंबर होते हैं जो सेवन वाला होता है वो न्यूट्रल होता है और जो सेवन से पहले होते हैं वो सारे एसिडिक होते हैं और जो सेवन के बाद होते हैं वो सारे बेसिक इन नेचर होते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट की तरफ नेक्स्ट हमारा रहेगा विटामिन विटामस का ठीक है तो फर्स्ट आपका आ गया विटामिन ए विटामिन ए हम किसे बोलते हैं रेटिनोल को ठीक है विटामिन ए का केमिकल नेम रहता है रेटिनोल और विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास विटामिन डी विटामिन डी रहता है कैलसी और जो जे विटामिन है जो कौन सी है फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन डी का फार्मूला रहता है कैलसी और इसकी वजह से होता है रिकेट्स इन चिल्ड्रन यानी कि सॉफ्ट बोन्स साफ्ट बोन्स्टोमलेशिया पेनफुल बोन्स इन अडल्ट ठीक है और जो नाइट ब्लाइंडनेस रहता है इसको बोलते हैं नाइस्टोप लिया ठीक है जे रहता है आपका विटामिन डी जो होता है रिकेट्स होता है इसकी वजह से अगर इसकी वो हो जाए डेफिशेंसी और इसका केमिकल नेम होता है कैलसी उसके बाद आ गया विटामिन ई केमिकल नेम टाकोफिरोल इसकी वजह से क्या होता है माइल्ड एनीमिया एंड स्टेरिटी सी इस रेयर इन ह्यूमन इसकी जो डेफिशेंसी है वो कम होती है विटामिन ई की ह्यूमन बॉडी में इसका केमिकल नेम रहता है टाकोफिरोल उसके बाद आ गया विटामिन के यानी कि फाइलोक्यून इसका केमिकल नेम होता है और डिले ब्लड क्लाटिंग करता है जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं ठीक है उसके बाद आ गया वाटर सॉलूबल विटामिन फर्स्ट आ गया हमारे पास विटामिन बी ठीक है विटामिन आपका क्या रहेगा बी वन उसके बाद आ गया इसका रहेगा आपका थाया मीन ठीक है थाया मीन इसकी वजह से क्या होता है जो वेरी वेरी होता है ठीक है विटामिन बी वन और विटामिन बी टू आपका हो जाएगा राइबोफ्लाबिन इसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लाबिन और इसकी वजह से जो क्रैक्ड स्किन्स होती हैं ठीक है वो कास होता है उसके बाद आ गया विटामिन बी जो आपका थ्री विटामिन बी सिक्स नया आपका रहेगा पहलेग्रह इसकी वजह से जो होता है ठीक है अब चलिए नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट जो आपका विटामिन आपको इधर दिया हुआ है ठीक है पायरिडॉक्सिन इसका रहेगा और विटामिन बी ट्वेल्व आप देख सकते हो साइ साइनोकोबॉल अमीन आपका रहेगा इसकी वजह से आपका क्या होता है पेनीशियस अनिमिया इसकी वजह से होता है ठीक है तो उसके बाद आ गया सी विटामिन सी की वजह से एस्कॉर्बिक विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड और स्कर्बी एंड पोर बाउंड हीलिंग इसका रहता है उसके बाद आ गया जो फ्रीडम स्ट्रगल के स्लोगन थे हमारे कुछ स्वराज इज माई वर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट जो स्वराज है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लोग लेकर रहूँगा बाल गंगाधर तिलक का सरफरोशी की तमन्ना राम पिर, राम प्रसाद बिस्मिल आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू वंदे मातरम द, पीसी सी हु लिव्स इफ़ इंडियन डाइस जवाहर लाल नेहरू डू आर डाई महात्मा गांधी उसके बाद आ गया सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल गेम इम ब्लड आई शैल गेव टू द फ्रीडम सुभाष चंद्र बोस उसके बाद आ गया इनकलाम जिंदाबाद भगत सिंह गो बैक टू द बेदास दयानंद सरस्वती उसके बाद आ गया विजय विश्वा तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता प्रसाद ये आपके कुछ फेमस पर्सनैलिटी थे अब आ गया आपका पॉपुलर नेम ऑफ द पर्सनैलिटी आंद्रा केसरी टी प्रकाश टी प्रकाशम बाबू जी जगजीवन राम बापू महात्मा गांधी सी आर आर राजा जी राजा गोपाल आचारी देश बंधु चितरंजन दास ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नरोजी ठीक है गुरु जी गुरु जी आ गया आपका गोल गोलवलकर उसके बाद आ गया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पैरो मेजर राजेंद्र सिंह लोकन्या जयप्रकाश नारायण लेडी लैम्प लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटेंगल उस लाइन ऑफ पंजाब लाला लाजपत राय लोकमन्या बाल गंगाधर तिलक उसके बाद आ गया महामन्ना पंडित मोहन मालिया मालविया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोलते थे नाइट एंजल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू पंडित जी जवाहरलाल नेहरू शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री दीन बंधु सिया फैंड्रियूस देश रत्न राजेंद्र प्रसाद शाहिद आज़म भगत सिंह को हम बोलते थे अब चलिए नेक्स्ट की तरफ इसी तरह का हमारा रहेगा उसके बाद नेक्स्ट आ गया जो प्रार्थना समाज थी प्रार्थना समाज को कब एस्टेब्लिश हुई थी 1867 किसने फॉर्म की थी आत्मा राम और महादेव गोविंद रनाड़े उसके बाद आ गया वेदा समाज 1871 किसने फॉर्म की थी केशव चंद्रा सेन और के सिदराल नायडू उसके बाद आ गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले गदर पार्टी गदर पार्टी जो नेक्स्ट आ जाएगा गदर पार्टी फॉर्म हुई थी 1930 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह बखाना की वजह से कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई थी 1920 में एम एन राय ने की थी सर्वेंट ऑफ पब्लिक सोसाइटी 1920 में लाला लाजपत राय सवराय पार्टी 1923 मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास उसके बाद नेक्स्ट आ गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन 1925 के बी हेगड़ेकर उसके बाद आ गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह का आल क्रिशन आल इंडिया किशन सभा 1936 और एन के रंगा स्वामी उसके बाद आ गया खुदाई खिदमत कर खान अबुल गफ़ार खान उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा फारवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी कैप्टन मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस इसका रहेगा चलिए नेक्स्ट की तरफ नेक्स्ट भी कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो भी जहाँ पे हैं चंपरन सत्याग्रह वो महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था 1917 में उसके बाद आ गया खेती खेदा सत्याग्रह महात्मा गांधी 1918 उसके बाद आ गया यूपी किशन सभा इंद्रा नारायण द्विवेदी गौरी शंकर मिश्रा मदन मोहन मालवीय 1918 एटीन अवध किसान सभा बाबा रामचंद्रा 1920 ट्वेंटी एकता मद्राई मदराई परसी सहदेव 1921 ट्वेंटी भरदाली सत्याग्रह है सरदार वल्लभ भाई पटेल नाइनटीन बिहार किसान सभा स्वामी, स्वामी सहजानंद 1929 ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद एन जी रंगा उसके बाद चलिए नेक्स्ट आ गया नेक्स्ट आ गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो फर्स्ट आपकी आ जाएगी काज़ीरंगा नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है और किसके लिए रिजर्व है वन हॉर्न राइनोसिरस उसके बाद आ गया आपका सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी आसाम है एलिफेंट और सांभर के लिए मशहूर है उसके बाद आ गया नमदापा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा गौतम बुद्धा सेंचुरी गौतम बुद्धा सेंचुरी आपकी कहाँ पर है गौतम बुद्धा सेंचुरी आपकी रहेगी बिहार में उसके बाद आ गया गिर नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इंडिया बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है गुजरात में और किसके लिए फेमस है एशियाटिक लाइन्स के लिए उसके बाद आ गया डैचिन नेशनल पार्क डैचिनगम नेशनल पार्क है कहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में और किसके लिए जे फेमस है किसके लिए जे फेमस है इधर देख सकते हो आप कश्मीरी स्टैग लॉन्ग टेल मैरमाउट हिमालयन सैरो ठीक है जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा डैचिन नेशनल पार्क ठीक है उसके बाद नेक्स्ट भी देख लीजिए बंगर घाटा नेशनल पार्क कर्नाटका में है बान्डीपुरा नेशनल पार्क दंदेली सेंचुरी कर्नाटका में तुंगवंद्रा सेंचुरी कर्नाटका में पचमारी सेंचुरी मध्य प्रदेश में गांधी सागर सेंचुरी मध्य प्रदेश में सिंपल सेंचुरी ओडिशा में केलाडियो गाना सेंचुरी राजस्थान में कंचनजुंगा नेशनल सेंचुरी सिक्किम में उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका नेक्स्ट आ गया चंद्र प्रभा सेंचुरी यूपी में दुधवा नेशनल पार्क यूपी में कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में ठीक है नेम्ड इन द मेमोरी ऑफ़ जिम कॉर्बेट ठीक है उसके बाद आ गया सुंदरबन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में ये था फ्रेंड्स आपका जो आज का इसमें से आपके कम से कम भी 200 तक क्वेश्चन इधर से भी कवर हो गए तो ये आपका एक अच्छा सेशन था जीके का तो आ, इस वीडियो में बस इतना ही चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको जो अपनी प्रेपरेशन है वो अच्छे से अच्छे बनाए रखना है सो ऑल द बेस्ट सो तो सारे कैंडिडेट्स जो भी अपनी प्रेपरेशन कर रहे हैं तो अपने एग्जाम को आपने अच्छे से अच्छे लगाना है इस वीडियो में बस इतना ही